कोरोना महामारी के बीच में सभी को अच्छे इलाज की उम्मीद रहती है, लेकिन इलाज ना मिले उसके बदले मौत मिल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको बताते हैं कि आदर्श थाना तालकटोरा के पास में साईं मेडिकल सेंटर है, जहां पर एक महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी देर रात मौत हो जाने के बाद में हंगामा खड़ा हो गया। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे बताया जा रहा है कि उस महिला को पथरी की दिक्कत थी, जहाँ पर उसे इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में तमाम जो लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, पुलिस पूरे मामले को जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा यह हादसा हुआ है, निश्चित रूप से उसने पूरे उस पर सवालिया निशान खड़े जरूर कर दिए हैं। इस उम्मीद से कि जहां पर तमाम मरीज को इसलिए लाया जाता है कि उसको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन बेहतर इलाज के बदले यदि मौत मिलती है तो निश्चित रूप से आसपास के जो पूरा महकमा है उस पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि इस महाबीमारी में आखिर अपनी जान की हिफाजत कैसे करें। इस धरती के भगवान से फिलहाल हम सबको यही उम्मीद है कि हम अच्छे इलाज को प्राप्त करें, लेकिन इन सबके साथ में जब बेहतर इलाज के बदले में उसे मौत मिलती है तो निश्चित रूप से वो एक धुरी परस्त को इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। फिलहाल इस लापरवाही के पीछे क्या इसी बनी है, हॉस्पिटल की भूमिका इसमें क्या है, ये इसकी जाँच जरूर चल रही है। वही तमाम सूत्रों की माने तो इस तरीके के तमाम हॉस्पिटल इलाज में क्या होगा खुले हुए, लेकिन तो वहाँ पर उन्हें इलाज किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं रहती है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो निगरानी भी रखे। फिलहाल तमाम व्यवस्थाओं के बीच में अब जांच पड़ताल पुलिस करेगी, बाद में मामला तय होगा कि उसकी मौत किन कारणों से हुई है, लेकिन तब तक फिलहाल प्रक्रिया अभी वहाँ पर जो बनी हुई है व्यवस्थाएं उनको सुचारू ढंग से चालू रहे जरूरी है। फिलहाल अब इस दर्द के बीच में जो है बात कहते जो है तीमारदार पथरी निकालने के लिए जिसके बाद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप कहिए 18,000 रुपया खर्चा लगेगा। क्या नाम है आपका और क्या रिश्ता इनसे जो खत्म हुआ है? मेरा नाम रामलखन है, जो एक्सपायर हुई हमारी माता है। क्या मामला था अस्पताल में जो ऐसी घटना हो गई? हम यहाँ पे स्टंट बदलवाने के लिए आए थे। नहीं, पूरा मामला बताइए, क्या मामला, कब एडमिट किया है? 16 तारीख को लाए थे एडमिट कराने और 15 तारीख को पर्चा से जानकारी लेने आएंगे इसमें इलाज में क्या होगा। अच्छा। तो ये कहने कि 16 तारीख सुबह 10 बजे आ जाना, भाई उसी दिन जांच करवाए थे तो आ जाना, तो तुम्हारा स्टंट जो है निकाल देंगे और ऑपरेशन 1 महीने बाद होगा पथरी का। तो हम ले आए, तो तैयारियां हुई, शाम 5 बजे 4:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो इन्होंने कहा स्टंट निकलने था, उसके पथरी भी थी, तो कहे कि जो है मुझे जो है पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर आप कहिए 18,000 रुपये खर्चा लगेगा हम इसी तार के जरिए ही पथरी निकाल देंगे। पहले कितने पैसे में बात हुई थी आपकी? पहले 8,000 रुपये की बात हुई थी तार निकालने। तो 18,000 रुपये कब मांगे आपको? 18,000 ओटी के अंदर मांगे उन्होंने। जब ऑपरेशन चल रहा था तभी 18,000 मांगे? हाँ, तब 18,000 चले गए तब मांगे कि तार के साथ में हम तुम्हारी पथरी निकाल, मम्मी की पथरी निकाल देंगे और इसमें इतना रुपया खर्चा आएगा। हम कहें खर्चा आपने तो पहले हमसे बताया था कि तार के साथ में निकाल देंगे, अब इतना पैसा बता रहे हैं, कहने वो तुम्हारी समझदार सुनने में गलती हुई। अच्छा। हमने यही कहा था कि खाली तार निकालेंगे बैठा लेंगे, मतलब 8 को 18 बना, 8 को 18 उन्होंने अंदर बताया। अच्छा, कब खत्म हुई, कैसे पता चला कि खत्म हो चुकी है? ये शाम 4:45 पे इनको सांसें फूल रही थी, तो डॉक्टर जब आए तो उनसे कहा इनको जो दिक्कत है पसीना आ रहा है, तो इन्होंने ऑक्सीजन के लिए सब व्यवस्था की, जो जो पाइप लगे थे वो सब टूटा हुआ था, तो तब तक लगाया तो कुछ हुआ नहीं और सांसें फूलने लगी। उसके बाद जब सांसें फूलने लगी तो दूसरा एक मशीन लाए थे गुब्बारे वाला जो मुंह में डालने के लिए, तो उसी से कुछ इंजेक्शन लगाए और उसी के जरिए मुँह में पाइप डाला इन्होंने, और पाइप डालते ही स्टील का था और साथ में रबड़ का भी था, तो अंदर जैसे ही डाला वो खट से आवाज़ अंदर झटका लगा और जीव निकल आई, तो मम्मी हमारी उसी समय एक्सपायर हो गई थी। भर्ती करने से पहले कोई क्वेट की जांच कराई थी? नहीं, कोई जांच नहीं कराई, गाइडलाइन भर्ती ले लिया। वो कहे कि तार की इसमें तार ही डालना है, ऑपरेशन करना नहीं है, इसलिए जो है जांच कराने की जरूरत नहीं। कोविड जांच नहीं कराई थी? कोई जांच नहीं कराई थी। और भर्ती कर लिया था? भर्ती कर लिया था।